बेसिक शिक्षा अधिकारी ने किया विद्यालय का औचक निरीक्षण। उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिला लटका हुआ ताला, टीचर मिली गायब, बच्चों को नहीं बांटे गए स्वेटर, इसको लेकर नाराज दिखे बेसिक शिक्षा अधिकारी। गैर हाजिर टीचरों पर कार्रवाई करने का ग्रामीणों को दिया आश्वासन। विकासखंड बनिया खेड़ा के गांव सराय ज्वालापुरी में शनिवार की सुबह बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र प्रताप सिंह 9:10 पर प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। प्राथमिक विद्यालय में एक टीचर उपस्थित मिले, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय का ताला जड़ा हुआ मिला। विद्यालय पहुंचकर वहां मौजूद इंचार्ज अध्यापक लालता प्रसाद मौजूद मिले। जब बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र प्रताप ने उनसे वहां पर टीचर शिक्षा मित्र के बारे में जानकारी की, तो उन्होंने बताया कि वह लोग आज आए नहीं है, पर उन्होंने छुट्टी की एप्लीकेशन के बारे में पूछा तो वह सही तरह से जवाब नहीं दे पाए। पड़ रही कड़ाके की सर्दी में अभी तक बच्चों को स्वेटर वितरण नहीं होने पर जानकारी की तो प्रधानाध्यापक ने बताया कि हमारे पास अभी कोई स्वेटर वितरण के लिए पैसा मौजूद नहीं है। विद्यालय की रंगाई पुताई को लेकर भी बीसीए बीएसए साहब नाराज दिखे। बीएससी साहब ने टीचर से कहा कि आप हर महाअभिभावकों की बैठक बुलाते हैं, ये हो या नहीं। इस पर प्रधानाध्यापक ने बताया कि 6 माह से कोई भी यहां पर अभिभावक की बैठक नहीं बुलाई गई है। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि हर माह अभिभावकों की बैठक बुलानी चाहिए। जब मीडिया कर्मियों ने भी ऐसे महोदय से क्षेत्र में हुए दौरे के बारे में जानकारी करनी चाहिए तो उन्होंने अपना फोन रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा और मात्र औपचारिकता निभाने के लिए क्षेत्र में निरीक्षण करने आए थे। संभल जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी, मीडिया कर्मियों का फोन उठाना उचित।